हेलो नमस्कार साथियों, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले इजराइल ने ईरान की जो अम्बेसी दूतावास था उसके ऊपर सीरिया के अंदर अटैक कर दिया था। और अभी अभी हाल ही में अमेरिकन जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन साहब, उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये सूचना दी है कि कभी भी ईरान अगले 24 घंटे में या 48 घंटों के अंदर इजराइल पर एक मैसिव अटैक कर सकता है। और रात को ही हिजबुल्ला, जो कि लेबनान के अंदर जो नॉर्थन पार्ट में है, वहां इजराइल के ऊपर अटैक हो चुका है। जो ईरान है उसका प्रॉक्सी वार जो है वो हिजबुल्ला और गाजा पट्टी में हमास लड़ता है, पर इस बार संभावना है कि ईरान सीधा अटैक जो है इजराइल के ऊपर कर सकता है। और वहीं पर जो भारत सरकार, उसने एडवाइजरी जारी की है कि वर्तमान में कोई भी ईरान और इजराइल की यात्रा ना करें, यात्रा को रोक दे अपनी को, और जो वहां पर है वो सीधा आपके अम्बेसी से संपर्क कर लें। तब अमेरिका से पूछा गया कि क्या आप सहायता करोगे इस युद्ध में, तो अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि वो इजराइल की रक्षा में अपनी तरफ से पूरी सहायता करने वाला है। क्या दोस्तों वही रूस यूक्रेन वाली स्थिति या इजराइल फिलिस्तीन वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है, या फिर मिडिल ईस्ट एशिया के अंदर दोबारा से वॉर हो सकता है, देखना होगा। आपको बताना है मुझे कि जो इजराइल है वो अपने डिफेंस के लिए किस सिस्टम का उपयोग करने वाला है। जय हिंद।